एक इवेंट जहां मेहमान थी कई बॉलीवुड ब्यूटीज, एक्ट्रेसेस दिया मिर्जा और अदिति राव हैदरी भी एज गेस्ट्स हमें यहां नजर आईं, पर एक मेहमान ऐसा था जो बिन बुलाए ही पहुंच गया था। बात हो रही है पूजा मिश्रा की। पूजा हमें तमाम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बीच नजर आईं शांतनु निखिल के स्टॉल लॉन्च पर, और जब हमने उनसे पूछा अबाउट हर एसोसिएशन विद देम तो पूजा की जुबान पर आ गया सच। मैंने एक कवर किया था मॉडल्स एंड ट्रेंड्स मैगजीन का, और उसमें मैंने इनके कपड़े पहने थे, पर मैंने इनसे कभी मुलाकात नहीं की थी। ऑल्दो आई एम अ रेगुलर एट ऑल द फैशन वीक्स एज अ शो स्टॉपर, सो टुडे आई फाइनली मेट देम इन पर्सन एंड आई थिंक दे आर लवली पीपल। ओहो पूजा, हमें तो लगा था कि आपको भी शायद बाकी बॉलीवुड सेलेब्स की तरह यहाँ इनवाइट किया गया होगा, पर आपकी बातों से शक हो रहा है कि कहीं आप गेट क्रैशर तो नहीं। वेल, जो भी हो, पर अब जब आप हमें यहाँ मिल ही गई हैं तो इतना तो जरूर बताइए कि पूजा बेदी ने आपके अगेंस्ट जो डेफेमेशन का केस फाइल किया है उस पर आपका टेक क्या है? पूजा बेदी जी के बारे में मैं कुछ डिसरिस्पेक्टफुल बात करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरी मॉम की एज की हैं, वो एक एंसेस्ट्रल जेनरेशन की हैं, यू नो उनके सामने मैं एक बच्ची हूँ, तो मैं उनके अगेंस्ट कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। पर मैं बस एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, दैट आई एम द कंप्लेनेंट, आई एम द वन हु सेंट हर द लीगल नोटिस फर्स्ट, एंड इफ देयर इज एनीबडी हु शुड बी सुइंग फॉर डेफामेशन इट्स मी अगेंस्ट हर। पूरी दुनिया इसकी यू नो आई विटनेस है किस तरह से उन्होंने मेरे अगेंस्ट गैंग अप किया, साइको का टैग दिया और क्या क्या नहीं बोला। पूजा तो लगता है इस केस के लिए पूरी तरह तैयार है, पर स्टॉल लॉन्च के लिए लगता है पूजा मिश्रा की फील्डिंग में थोड़ी सी कमी रह गई थी, क्योंकि ऐसा होता तो शायद उन्हें लाइमलाइट बटोरने के लिए गेट क्रैशर ना बनना पड़ता। और सलमान खान, जूम, मुंबई।